भगवान के साथ ऐसा ही है। भगवान जीवन बढ़िया बिता रहे हैं, नाती पोते सब
पूरी बात गुप्ता जी के साथ हुआ, आप सब पूरी कथा जानते हैं, वैसे कई बार कथा कर चुके हैं। और क्या है, आज भगवान बैठे तो मैया रुक्मणि कैसी जानती है, कभी क्रोध नहीं आता। भागवत जी में लिखा जिन माताओं को, जिन गृहणियों को, जिन स्त्रियों को क्रोध नहीं आता, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसलिए कहते हैं ना, विवाह के समय लक्ष्मी रूप आए। पुरुष जो होता है वो विष्णु होता है, स्त्री जो होती है कन्या जो होती है लक्ष्मी होती है। तो भगवान की जितनी पत्नियां सबको गुस्सा आता, सब डिमांड करती है, ये चाहिए ऐसा चाहिए वैसा, सब मांगती है। और भगवान देते भी है, धर्म होता है पति का, पत्नी जो मांगे वो लाना चाहिए। ऐसा तो बेचारा पति कमाए 10,000 रुपए महीना और पत्नी मांगे 2,00,000 रुपए वाला नेकलेस, फिर तो झगड़ा होगा, तनाव होगा। तो भगवान की सब पत्नियां कुछ ना कुछ मानती है, भगवान ला कर देते भी है, पर रुक्मणि मैया ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। तो भगवान को लगता है कितनी अच्छी है, कभी कुछ मांगती नहीं। आखिरी में कोई कपड़े आते हैं, बड़ा परिवार है, कपड़े आते हैं कुछ भी, तो आखिरी में जो बच जाता है वही ले लेती है। भोजन भी सबके करने के बाद, बच्चों के करने के बाद जो बच जाता है वही करती है। माँ तो वही है जो आखिरी में करेगी। माँ का हृदय ऐसा हो ही सकता कि बच्चे बैठे रहे और माँ भोजन कर रहे। रुक्मणि मैया में पूरे लक्ष्मी वाले का लक्ष्मी है ही वो। भगवान ने सोचा कुछ मांगती भी नहीं, गुस्सा ही करती। नौकर भी, सेना वाले भी, मंत्री भी, पुत्र भी, बेटे भी, बहू भी, सब खुश रहते हैं। आज ऐसा कुछ करे जिससे इनको क्रोध आए। तो भगवान ने मैया को बुलाया, रुक्मणि से बोले, देवी आइए जरा बैठ लीजिए, दिन भर काम करती रहती है, ये धर्म है। तो भगवान ने बुलाया, बैठाया, जीप चाहिए स्वामी, देवी ये बताइए आप थकती नहीं है क्या, दिन भर काम, दिन भर टेंशन, दिन भर भोजन, पूरा व्यवस्था देखती है, अरे थोड़ा आराम कर लिया करिए। तो मैया क्या बोलती है, स्वामी मेरे प्रभु, जिस दिन मैं आराम करने बैठ जाऊंगी उस दिन घर बेकार हो जाएगा, जिस दिन मैं आराम करूंगी ना उस दिन सब व्यवस्थाएं सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। देखिए माता रुक्मणि भी घर को संभाली, क्योंकि घर संभालना पुरुषों की बस की बात नहीं है, स्त्रियां माताएं ही घर को संभाल सकती, घर को चला भी सकती हैं। पुरुष केवल पैसे कमा सकता है, सामान ला सकता है, पर घर में क्या है क्या नहीं, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, वो तो माताओं के अंदर ही भगवान ने वो दिया है। तो मैया की बड़ी बैठे, भगवान बोले रुक्मणि जी आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा। बोले प्रभु क्रोध करना बुरी बात है, भगवान ने सोचा कुछ ऐसी बात कर दे इनको क्रोध आ जाए। बोली आपने मुझसे विवाह किया आपको क्या मिला। मैया बोली आज कैसी बातें कर रहे थे। मैया कहती प्रभु मुझे कुछ चाहिए थोड़ी बस, मैं तो आपकी भक्त हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। मैया बोली आपके चरणों की दासी। भगवान बोले देवी बताओ आपके विवाह के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, हमसे विवाह की समुद्र के अंदर जाकर छिपना पड़ा, ना आपको कहीं घुमाने ले गए, न कहीं ले जाते हैं, ना कुछ आपको दिलवाए, आप तो जीवन में कष्ट कष्ट पाई हमसे विवाह करने के बाद। अरे आप कहीं किसी बात से विवाह कर लेती ना तो आज आप बढ़िया महारानी बनकर बैठी होती। और भगवान ने सोचा शिशुपाल का नाम लेंगे तो गुस्सा आएगा, कुछ बोलेंगे हमको, क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे। पर मैया ने क्या किया, जैसे ही भगवान ने बोला शिशुपाल से आपका विवाह हो जाएगा तो आप ज्यादा सुखी रहती, तो मैया को क्या हुआ, मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, क्रोध नहीं की। तो भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज रूपाया सेवाया प्रतिपालने, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और मैया को उठाया, पानी का छींटा दिया और दो हाथों से मैया को उठाई है, दो हाथों से क्या करते हैं मैया की सेवा कर रहे, पंखा कर रहे हैं। जब एक घंटे बाद होश आया तो मैया की मणि रोने लगी। तो भगवान कहते हैं इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि आपको ना क्रोध आता, ना गुस्सा आता, ना आपके अंदर अहंकार है, ना आप कुछ मानती हैं, और आप जहाँ रहेंगी आप जैसे खुद जिस स्त्री में होंगे वहां साक्षात उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, वहां पर कभी कुछ कमी नहीं होगी। जय जय श्री राम। इसलिए आप मुझे बड़ी प्रिय हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, पर एक राजा आ गया, एक दुष्ट आ गया, नाम है पौंडक। भगवान बैठे थे अभी, नाम है पौंडक राजा, क्या किया, नकली शंख चक्र लगा लिया,
भगवान जैसा वेश बना लिया, कपड़े पहन लिए और नकली ये उड़न का टोला बना लिया हेलीकॉप्टर जमाने में। भगवान उड़ते थे ना विमान में, तो नकली लकड़ी का विमान बनवाया, नकली चक्र बनवा लिया। गौरव मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही वसुदेव हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूँ। और अपने राज्य में डोरा उठवा दिया कि मेरी पूजा करो, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही राजा हूँ। वो जो है कृष्ण जो है द्वारिकाधीश है, वो नकली भगवान है, मैं तो असली भगवान हूँ। सोचिए उस समय जिस समय भगवान स्वयं इस पृथ्वी में थे, तब की बात है, भगवान के सामने एक नकली भगवान प्रकट हो गया। तो आज क्या चल रहा है, कलयुग। यदि आपके सामने कोई आ जाए और बोल दे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे अंदर भगवान वाले गुण हैं, मुझे भगवान प्राप्त हो चुके हैं, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तो कभी मत मानना, क्योंकि भगवान के सामने भी नकली भगवान प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नकली भगवान उस समय भी थे, अभी तो कलयुग चल रहा है। संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पर भगवान तो सच मानिएगा एक ही है। और वैसे माना जाए तो भगवान चार होते हैं, एक स्वयं भगवान, एक माता, एक पिता, एक गुरु और एक भगवान। चार भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, भगवान के जैसे माने जाते हैं। अब जैसे गुरु जी हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान से मिलाने वाले होते हैं, भगवान नहीं होते। हाँ चेला का भाव हो जाए तो चेला चाहे तो पूजा करे, आरती करे, अलग बात है। पर गुरु जी कभी ना बोले कि हमारी आरती करो, हमारी पूजा करो। चेला के मन में भाव होना चाहिए, मेरे गुरु मेरे लिए भगवान है, ईश्वर से जो मिलाते वही तो गुरु है। जय जय श्री राधे। तो नकली भगवान प्रकट हो गया। अब भगवान बड़ी परेशानी बताइए, हमारे सामने हमारा नकली एक प्रकट हो गया और भगवान को लेटर लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, पत्र की, अरे द्वारिकाधीश तुम नकली भगवान हो, असली भगवान है, आकर युद्ध करो, या तो हमारे सामने क्या करो, समर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो, हार मान जाओ। तो भगवान बोले दाऊ जी देखो, दाऊ जी बोले कन्हैया इसको निपटाना पड़ेगा, और जाकर के प्रभु ने क्या किया, उसका उद्धार कर दिया। जय जय श्री राम। कॉन्ट्रैक्ट का प्रभु ने उद्धार कर दिया। शिवदेव जी कहते हैं राजा परमात्मा की लीलाएं चलती जा रही है, परमात्मा अनेकों लीलाओं को कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन में भगवान। और शास्त्रों में लिखा है धन्यों गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है, साधु बनना बड़े भाग्य की बात है, साधु बनना बहुत अच्छी बात है, पर कोई साधु बन जाए तो बहुत कृपा ठाकुर जी के, तो साधु बन जाए। पर कहते साधु से भी ज्यादा भाग्यवान हो है जो सतग्रहस्थ है। क्यों साधु बनना क्या है, जैसे आप मान लीजिए कटनी से कार में उमरिया आ रहे हैं, तो आप उमरिया में प्रवेश ना करें, शहर से बाहर से बाईपास से चले जाए बाहर बाहर बिना ट्रैफिक के निकल जाएंगे। साधु बनना मतलब दुनिया में आकर बाहर ही बाहर भगवान को पा लेना। और गृहस्थ मतलब आप कार से आए हैं, मार्केट में खूब भीड़ है, बाजार में भीड़ होती है, उमरिया में होती है, मानपुर पास में है, निगहरी जहाँ भी जाते हैं, और आपका क्या है डिंडौरी, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, बीच में कार सवारी की बड़ी भीड़ होती है बाजार के दिन, तो कार चलाना मुश्किल होता है, ड्राइवर ही चला सकता है। तो क्या है, तो बोले कि जो गृहस्थ जीवन वाला है वो कैसी कार चला रहा है कि भीड़ से निकल रहा है। तो गृहस्थ जीवन में सबका ध्यान रखते हुए, सबको खुश करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए भगवान का भजन करना गृहस्थ जीवन है। और अकेले केवल बाबा जीवन का सारी जिम्मेदारी छोड़कर एकदम निकल लिए और जाकर तपस्या करने लगे, वो है साधु महात्मा। तो धन्यों भी गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी लोग नहीं होते तो साधुओं को भोजन कौन कराएगा, भागवत कौन कराएगा, भिक्षा कौन देगा, दान कौन देगा, पुण्य कौन करेगा। भाई गृहस्थियों के यहाँ साधु भी आते हैं, संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम में जो रह करके विवाह करके संतान होने के बाद भी जो भगवान के भजन में लगा रहे, भगवान कहते हैं उसको मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। क्यों, क्योंकि सारी जिम्मेदारी करते हुए मेरा नाम नहीं भूलता। साधु बनकर भजन करना बहुत कठिन नहीं है,
भाई जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा, अकेले होंगे भजन कर लेंगे, पर सबको लेकर के पूरे परिवार को पूरे समाज को लेकर के भगवान का भजन करना बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी कहते हैं राजा, एक बार नारद जी महाराज के मन में हुआ कि भगवान का इतना बड़ा परिवार, 16,160 पत्नियां, फिर उनके 10-10 बेटे, एक एक बेटी, कभी ना कभी झगड़ा जरूर होता होगा, कोई ना कोई बात में टूटू में जरूर होती होगी। तो कहते नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ जीवन का दर्शन करने पहुंचे और क्या बोले कि प्रभु मैं आपके गृहस्थ जीवन को देखना चाहता हूँ। भगवान बोले नारद जी आराम से देखो, 4-5 महीने की छुट्टी लेकर आओ, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो नारद जी महाराज 3 महीने तक भगवान के प्रत्येक महल में गए। पहले महल में गए, पहले महल में गए, भगवान सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले रुक्मणी मैया सबसे बड़ी है ना, उनके महल में गए सुबह सुबह। तो भगवान क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु आप किसकी पूजा करते हैं, आप तो स्वयं भगवान हो, आप ही पूजा करते हैं। भगवान बोले नारद जी गृहस्थ जीवन में होकर मुझे पूजा करनी पड़ेगी, गृहस्थियों को पूजा करनी पड़ेगी, पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरे परिवार में अशांति आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। देखिए भगवान होकर भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा अपने इष्ट देव की। तो प्रातः काल जो है पूजा के लिए सुबह उठिए, स्नान करिए और पूजा जरूर करिए, चाहे 5 ही मिनट करिए, सुबह सुबह पूजा होनी चाहिए तो पूरा दिन बढ़िया रहेगा। दूसरे महल में गए सत्य भामा जी, भगवान का क्या है उस समय बाल भोग हो रहा है, यानी पूजन के बाद नाश्ता लग रहा है। बोले नारद जी आइए प्रसाद पाइए, नारद जी वहां भोज बोलिए। तीसरे महल में गए तो भगवान राज्यसभा में जाने की तैयारी करें, रथ में बैठे जाएंगे, थोड़ा सबसे मिलेंगे, नारद जी को लेकर। चौथे महल में गए तो भगवान लंच कर रहे, दोपहर का भोजन ले रहे। पांचवे महल में गए तो भगवान थोड़ा अपने पोतों के साथ, बच्चे के बच्चे साथ क्या कर रहे, खेल रहे हैं। छठवें महल में गए तो भगवान सायंकाल की वेला में थोड़ा घूमने गए हैं। सातवें महल में गए तो भगवान फिर शाम को जप कर रहे हैं। नियम है तो जितने महल में गए, जितने घरों में गए, सब में भगवान कुछ ना कुछ करते दिखाई दिए। तो 3 महीने तक नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ जीवन का दर्शन किए और बोले प्रभु ये कमाल तो आप ही कर सकते हो, इतना बड़ा परिवार, इतनी पत्नी, इतने बच्चे, इतने नाती, इतने पोते, फिर भी कोई समस्या नहीं है, सबको सब कुछ ला देते, कोई भी दुखी नहीं दिखा आपके परिवार में। तो नारद जी भगवान बोले नारद जी इसका एकमात्र रहस्य ये है कि मैं सबको लेकर चलता हूँ, सबसे मिलता हूँ और क्या करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। और जहाँ भगवान का भजन होता है जिस घर में, जिस गृहस्थ जीवन में, वहां पे क्या होता है, सुखम शांति समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि। सुख होगा तो शांति होगी, जब सुख खूब होगा तभी शांति होगी, और जिस घर में शांति होगी वहां क्या होगा, समृद्धि होगी, वहां बढ़ोतरी होगी। नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु आपका जीवन धन्य है। नारद जी कहते वहां से चले गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आज भगवान बैठे थे तो पांडवों का संदेश आ गया, प्रभु बचाइए हमें, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर एक राजा है नाम है जरासंध, वो हमारे विरोध में है, उसको जीतना है। तो भगवान गए और भीम जी को, अर्जुन जी को लेकर के चले गए युद्ध करने, भिक्षा मांगने के बहाने। जरासंध का एक नियम है, जब से भगवान कृष्ण भागे हैं ना तब से ब्राह्मणों को बहुत बड़ा भक्त हो गया है, सुबह सुबह जो कोई जो मांगता है वो दे देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाए, भिक्षुक का वेश बनाए और लाइन में लग गए। जरा समझाए बोले महाराज क्या चाहिए बोलो। तो भगवान श्री कृष्ण की हंसी, भगवान मुस्कुरा दिए
बोला पंडित जी आपको हमने कहीं देखा। भगवान बोले महाराज आप दानी हैं, दान देने वाले हैं, भिखारी हैं। स्वाभाविक है जहाँ आप दान देते हो कि वहां आते हो, इसलिए आप हमें पहचान रहे हो। तो बोला मानो महाराज क्या चाहते हो। तो भगवान बोलते हैं युद्धम नो देहि राजेन्द्रम द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम् प्राप्ता राजन्यानाकाक्षा। युद्धम नो देहि राजेन्द्रम, अरे राजेन्द्र राजन हम कोई पंडित जी नहीं है, हम तो कौन है, हम राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय को भिक्षा मांगना मना है, हमको क्या दे दो। युद्धम नो देहि राजेन्द्रम द्वंद्व से यदि मन्यसे, आपसे युद्ध चाहते हैं, युद्ध की भिक्षा दे दो, द्वंद युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने बोला अरे कपटी, अरे श्रीया, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे लगा तुम वही हो। 17 बार भगवान से बोला कि तुम मुझसे हार गए हो, मैं हारे वाले से कभी लड़ाई नहीं करता। भगवान ने बोला भैया मैंने तुझे 17 बार हराया वो तो भूल गया, और मैं एक बार ब्राह्मणों के लिए भाग गया तो बार बार बोल रहा है। तो बोले मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, पर अर्जुन मेरी बराबरी का नहीं है। देखिए है तो राक्षस पर धर्म की बात कर रहा है। युद्ध मने लड़ाई, विवाह और विवाद, झगड़ा और विवाह बराबरी में करिए। विवाह और विवाद यदि बराबरी में होगा तो जीवन बढ़िया होगा। अब कोई छोटा व्यक्ति बहुत करोड़ अरबपति व्यक्ति से झगड़ा कर ले तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। अब कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत अमीर घर से बहू ले जाए तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्रों में है बेटी को बड़े घर में भेजो, इतने से बड़े घर में, और बहू को थोड़ा छोटे घर से लाओ, थोड़ा बराबरी वाले घर से लाओ, लेकिन बेटी को बड़े घर में भेज दो। विवाह और विवाद बराबरी में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। लेकिन यदि हमसे कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति से झगड़ा हो गया तो दिक्कत होगी। तो भीम से कहते हैं, जरा संत कहते हैं भीम मेरी बराबरी का है, अर्जुन खेला बनता है, अब तुम तो मेरी तुम तो भागे हुए हो, मेरी बराबरी का भीम है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। भगवान बोले करो, और भीम जी एकदम क्या हुए, अहंकार में भूल गए कि भगवान किनारे, अर्जुन किनारा हो गया, अर्जुन का मेरा नंबर लग गया, और कहते हैं युद्ध शुरू हुआ। द्वंद युद्ध है संयुक्तम, द्वंद युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध होता है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। रोज भीम जाते हैं और कहते हैं प्रभु बहुत ताकतवर है, मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूं, जितना मारता हूं उतना हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि उसका शरीर क्या है, वज्र रूपेण संयुक्तम। 17 दिन युद्ध होने के बाद भीम जी आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु कुछ मार्ग बताइए ना। तो भगवान बोले भीम दादा जैसे ही उसने आपका नाम लिया तो आप एकदम फूल गए, आपको अहंकार आ गया, तो आपने लड़ाई करना शुरू कर दिया, आखिरी में मेरे पास आए हो। भगवान कहते कर्म कितना भी कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लोगे, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ भीम दादा, और जाकर के भीम ने उस जरासंध के शरीर के दो टुकड़े किए और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए, उसकी मृत्यु हो गई, और जीत करके उसके मुकुट लेकर आ गए, वही मुकुट परीक्षित जंगल में पहन कर गए, कलयुग प्रवेश कर गया और श्राप लग गया, क्योंकि दो नंबर वाला पैसा था, दो नंबर वाला धन था, ईमानदारी का मेहनत का पैसा, मेहनत का सोना नहीं था, इसलिए श्राप लग गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ शुरू हुआ, राजसूय यज्ञ। जब भी यज्ञ होता है तो परिवार के, समाज के, मित्र सब लोग सहयोग करते हैं। किसका सहयोग करते हैं, श्रम करते हैं, सहयोग करते हैं। तो भगवान का जो यज्ञ चल रहा है ना पांडवों का, भगवान ने सबको अलग अलग काम दिए। भीम से बोले भीम दादा आप भोजन बढ़िया करते हो, तो आप भोजन की व्यवस्था देखोगे, कितना भोजन बनेगा, भंडारा वो सब आपके हाथ में है। दुर्योधन भी आया ना, दुर्योधन को क्या दिए, बोले आप दक्षिणा बांटना। क्यों, युधिष्ठिर बोले महाराज ये तो बर्बाद कर देगा हमें, हमारा सारा धन बांट देगा, शत्रु है, बोले बांटने दो, ये जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, इसलिए आपका शत्रु है,
सोचेगा पांडव बर्बाद हो जाए, इसको पता नहीं है इसके हाथ में एक रेखा है जिससे धन बढ़ती है, इसको धन बढ़वाओ। सबने कुछ ना कुछ काम किया और भगवान ने क्या लिए, भगवान ने क्या किया, भगवान बोले मैं चरणों की सेवा करूंगा, जो भी लोग आएंगे उनके पैर धरूंगा और जूठे पत्तल उठाऊंगा। सबसे बड़ी सेवा होती है ब्राह्मणों के, संतों के, साधुओं के, अतिथियों के, जो जूठे पत्तल उठाते हैं थाली, ये सबसे बड़ी सेवा भगवान ने जो किया वो बढ़िया ही होगा ना। और द्रौपदी जी का की परिवेश नींद जा, द्रौपदी जी क्या है, कहा की है, द्रौपदी मैया पांचाल की है, पंजाब की है, और द्रौपदी मैया लाखों साधुओं को स्वयं परोसती है अपने और सबके साथ परिवार के साथ स्वयं भोजन परोसती है, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में माताएं जितना अच्छा भोजन बना सकती है उससे कहीं ज्यादा अच्छे से खिला सकती है। खिलाना जो आता है भोजन परोसना माताओं को आता है। अब परिवेश ने द्रुपद जा, द्रौपदी जी पंजाब की है और पंजाब में कृष्ण भक्ति बहुत है, पंजाब में बहुत भक्त है, इसलिए द्रौपदी जी सब साधु संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रही है। ये क्यों हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ, पूर्णा होती हुई साक्षात भगवान प्रकट हो गए और इसी यज्ञ में प्रथम पूजा के लिए भगवान का नाम आगे किया गया। शिशुपाल ने विरोध किया तो भगवान ने क्या किया, उसका संहार कर दिया। 100 गाली तक भगवान ने माफ किया, जैसे ही 101 गाली हुई भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। सायुज मुक्ति युक्ति एक ज्योति निकली और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई और आज शिशुपाल सायुज मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और इसी यज्ञ में कौन आया, दुर्योधन, महल को देखकर जहाँ पानी था वहां उसके थल दिखाई दिया, जहां जल था वहां थल और जहां थल था वहां जल, गिर गया तो द्रौपदी हंस गई, अंधे का बेटा तो अंधा होता है। और यही महाभारत का कारण बना, कभी भी किसी को ऐसी वाणी मत बोली जिससे वो आहत हो जाए, बदला लेने की भावना आ जाए। और यही बात, अंधे का अंधा होता है, युद्ध हो गया और देखिए सारा कुछ, सारे कौरव बर्बाद हो गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक बात हमारे जीवन में सब कुछ बेकार कर सकता है। जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में शक्ति का संचार करेगी और जब शक्ति आएगी तब सामर्थ्य बढ़ जाएगा। जब सामर्थ्य बढ़ जाएगा हमारे जीवन में तो सब जो चाहेंगे वो हो जाएगा, पर पहले हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति मतलब भगवान से युक्त होना, भगवान के साथ ले जाना, वो है भक्ति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए चलते हैं भगवान के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए चलेंगे। तेरी मंद मंद नस कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यार जो
तो बिहारी जी कैसे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ते ठाकुर जी आपकी मुस्कुराहट को देख करके पूरे दुख भूल जाते हैं। एक बार दर्शन दे दो, एक बार आपके दर्शन हो जाए तो पूरे दुख पूरे कर पूरे दर्द लट जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे परिहार सांवरे परिहार प्यारे झूमे तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे परिहार प्यारे झूमे परिहार प्यारे झूमे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे आज अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। आज कथा का श्रीमद् भागवत जी का विराम हो जाएगा और भागवत जी की महिमा ये है, विशेषता ये है, सात दिन कब निकल जाए कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। और कोई कार्य करिए आप, विवाह करिए, शादी करिए, कुछ भी करिए, आपको लगता है कैसे दिन नहीं कट रहे हैं, पर भागवत की महिमा है कि भागवत में तो ऐसा लगता है मानो कल से ही भागवत प्रारंभ हुई और आज विराम की ओर है। शिवदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान की द्वारिका लीला क्या है, गृहस्थ जीवन की लीला है। भगवान स्वयं गृहस्थ जीवन में रहे और भगवान ने ये बताया गृहस्थ जीवन में रहकर ही भगवान को पाया जा सकता है। साधु बन के पाना अलग बात है पर गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान के भक्त बनकर प्रभु का नाम लेकर अपना उद्धार किया जा सकता है। और मैंने कल बताया था जो भक्त होता है वो रोज भक्त होता है, हर क्षण भक्त होता है, 24 घंटे भक्त होता है। ऐसा नहीं कि 9 दिन नवरात्रि में पूजा कर लिए, 9 दिन व्रत कर लिए, 1 दिन उपवास कर लिए, बोले बस नहीं। जैसे हमारा जीवन नित्य है ऐसी भक्ति नित्य होना चाहिए। भक्त जो होता है वो हर क्षण 24 घंटे भक्त होता है, तभी उसके जीवन में भक्ति होती है। और भक्ति आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, परमात्मा को आना ही पड़ेंगे। भक्ति वो मार्ग है, भक्ति वो रास्ता है जो भगवान से मिला देता है। ज्ञान भी एक मार्ग है, भक्ति के दो बेटे हैं ना, भक्तौ सेतौ तौ करणी गृहीत्वा। भक्ति के दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, किंतु कलयुग में विशेषकर भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। ज्ञान और वैराग्य क्या है, ज्ञान और वैराग्य में है तो सब बढ़िया, भगवान को मिल सकते हैं, पर ज्ञान वैराग्य में कुछ समस्याएं हैं। ज्ञान वैराग्य में क्या करना पड़ता है हमें, भक्ति क्या है, भक्ति मतलब बिल्ली का बच्चा। आपने बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, बिल्ली का जो बच्चा छोटा सा होता है, नया सावक छोटा सा होता है, बिल्ली अपने मुंह में दबा के ले जाती है और वो तब तो शांत रहता है, मेरी माँ जहाँ मुझे अच्छा होगा वहीं जाकर रख देगी। ये है भक्ति। भक्ति में आपको कुछ नहीं करना, भक्ति में समर्पण कर देना, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह आशा करते चलो तजी ममता अभिमान। भक्ति मतलब बिल्ली के बच्चे जैसा जीवन, सब कुछ भगवान में छोड़ दो। और ज्ञान में जब ज्ञान आएगा तो अभिमान भी आएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपनी बातें बताए गए, कोई पढ़ के ज्यादा आ जाए ना फिर गांव में जाएगा तो अंग्रेजी बोलेगा, अरे गांव का बेचारा व्यक्ति हिंदी आती नहीं उसे, गांव का वहां क्या अंग्रेजी बोलते हो। पर पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है, जहां समझेगा यहां सबसे कम पढ़े लिखे हैं वही अपना ज्ञान ज्यादा दिखाई देगा। तो भक्ति मतलब बिल्ली का बच्चा, तो भक्त मार्ग है, और ज्ञानी मतलब बंदर का बच्चा। देखे होंगे आप बंदर जो होता है, तो बंदर अपने माँ को पकड़ता है ऐसे, माँ कुछ नहीं करती पकड़ लेता है, अब वो गिर जाए पेड़ से छत से गिर जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ती।
पर बिल्ली का बच्चा जो है बिल्ली कुछ नहीं करती, बिल्ली की मां पकड़ती है। तो जहां हमें पकड़ना पड़ेगा वहां तो छूट नहीं सकता है, हम जब किसी का हाथ पकड़ेंगे तो हाथ छूट सकता है, पर जब कोई हमारा हाथ पकड़ लेगा, जब कोई हमारा हाथ पकड़ लेगा तब फिर हमारी गारंटी कि हम पार होके रहेंगे। भगवान को कहते हैं मेरे भक्त का मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। जैसे एक पिता के साथ एक माता के साथ बेटा जाता है तो माँ हाथ पकड़ लेती है, अब माँ हाथ पकड़ ली है पिताजी पकड़ लिए तो खतरा नहीं है ना। तो जो हाथ पकड़ने वाला होता है वो श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। तो भक्ति करी भक्ति मार्गम सस्तौचम कलियुगम प्रथमम गति। भक्ति कलयुग में भक्ति जो है भक्ति मार्ग ही हमारे जीवन में उद्धार कर सकती है, कल्याण कर सकती है। जय जय श्री राधे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन मुझे एक कथा याद आ गई। कौन सी कथा? श्री सुदामा जी महाराज की कथा। कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। स्वामी सुखदेव कहते राजन सावधान होकर सुनना, ये कथा मैं सुना रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जैसे गरीब दुनिया में ना कभी कोई हुआ है ना कभी होगा। कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। कैसे सुदामा जी महाराज? कृष्ण के बचपन के सखा है, अब ब्राह्मणों ब्रह्म विद्वान, जन्म से भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल भी है और ब्राह्मण वाला काम भी करते हैं और ब्रह्म बने भगवान को जानने वाले हैं। गरीब हैं, भिक्षा भी नहीं मिलती, कपड़े भी अच्छे नहीं, घर भी नहीं है, फिर भी भगवान का नाम हर क्षण जपते रहते हैं। कृष्ण 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 भगवान का नाम लेते रहते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। और कैसे? विरक्त इन्द्रियार्थेषु है तो ब्राह्मण बड़े तपस्वी हैं लेकिन विरक्त हैं, जीवन तो गृहस्थ वाला है, विवाह किए हैं, बच्चे हैं, पर जीवन कैसा जीते? विरक्तों जैसा, साधुओं जैसा। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, जितेंद्री है, विद्वान है, भगवान का भजन करते रहते हैं। और पत्नी का नाम है सुशीला। घर में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है। आज जैसे ही भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा मांगने के बाद क्या हुआ? पूरा मिला नहीं, मिला तो, पर उनका नियम है, सुदामा जी का नियम है, सबके घर नहीं जाते मांगने, एक जगह बैठ करके भजन करते, जो कोई दे देता उसे लेकर आ जाते हैं। जैसे ही घर आए तो बच्चे भी भूख लगी तो भोजन लेकर आए, अनाज लेकर आए, कच्चा अन्न लेकर आए, सबको पूरा नहीं पड़ा, भोजन बना पर पांच लोग हैं और तीन ही थाली लगी। सुदामा जी बोले देवी बेटों को खिला दो और आज फिर चले गए। ना घर है, ना खाने के पात्र हैं, ना छत है, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, एक रुपये भी नहीं है, फिर भी क्या करते हैं? कृष्ण 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 कृष्ण। सुदामा जी महाराज से बड़ा कोई भक्त हुआ ही नहीं दृष्टि में। गरीबी के बाद, विपन्नता के बाद, शरीर में कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, तो भी भजन करते। लोग कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, बिना भोजन के भजन भी नहीं होता। सुदामा जी महाराज तो भूखे रहकर भी भगवान का भजन करते हैं और भगवान से कुछ मांगते नहीं है कि भगवान मुझे पैसे दे दो, अनाज दे दो, मकान दे दो, रोज भिक्षा मांगकर लाते हैं। आज भिक्षा में कुछ मिला नहीं, कोई दिया नहीं, चले गए। बेटे बोले पिताजी भोजन, पिताजी भोजन, तो माँ की आंखों में आंसू हो गए, माँ रो पड़ी ना, और माँ बोली क्या करें बेटों को क्या खिलाएं। तो आज सुशीला जी बोली स्वामी आपके बचपन के सखा मैंने सुना है द्वारकाधीश, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धन वाले राजा हैं, आप जाइए ना कुछ मांग के ले आइए कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, कुछ पैसे कुछ धन कुछ संपत्ति ले आइए, आपको कभी मना नहीं करेंगे, आपके मित्र हैं। तो क्या होगा? हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी महाराज बोले देवी मैं अपने मित्र से, अपने भगवान से
अपने सखा से पैसे मांगने जाऊं, संपत्ति मांगने जाऊं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मित्र अपने घर में खुश, अपने राज्य में खुश और मैं अपनी कुटिया में आनंद में हूं। और कृष्ण 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 जपते रहे थे। दो चार दिन बाद जब सुदामा जी आए, पत्नी जो उनकी है बड़ी होशियार है, विद्वान है, तो बोले स्वामी क्या करिए, शास्त्रों में लिखा है ना, पति पूजा करे, पाठ करे, दान करे, धर्म करे, तो पत्नी को आधा फल मिल जाता है। भार्या को क्या नाम है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब है जो भी धर्म करेंगे उसका आधा फल पत्नी के खाते में स्वतः अपने आप चला जाएगा। तो सुशीला जी बोली, आप मेरे पति हैं, यदि आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आएंगे तो मुझे भी आधा फल मिल जाएगा। सुदामा जी बोले, देवी आप बड़ी अच्छी हैं, आप ऐसी भक्ति है जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती है, मैं